देखिए, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने इतने इतने बड़े दावे किए हैं कि बंदा जब उनको देखता है तो हैरान रह जाता है। जब बंदा उनके बारे में सुनता है तो हैरान रह जाता है कि भई ये कोई बंदा है या कोई बिल्कुल कोई पागल इंसान है या कोई जानवर है या कोई क्या चीज़ है। यानी कि ऐसे ऐसे दावे कि जो आम बंदा उस तरह के कर भी नहीं सकता, कभी किस तरफ कभी किस तरफ। बंदा खुद सोचने भी मजबूर हो जाएगा, जो इस तरह की चीज़ें इसकी पढ़ेगा, मुताला करेगा, जो सुनेगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई इसकी तो वैसे ही कोई मत मारी हुई है किसी ने, या इसकी अकल मारी हुई है, या ये वैसे पागल शख्स है, या ये जानबूझकर इस तरह के मामलात कर रहा है। और जाहरी बात है कि ये अपने तौर पर पागल भी नहीं था, ये सारे कुछ जानबूझकर ही कर रहा था। कभी किस तरह के दावा, कभी किस तरह के दावाजात, कभी किस तरह के दावाजात। बंदा हल्का सा झूठ बोले ना तो बंदे को इतनी पशेमानी होती है। ये इतना बड़ा बेगैरत इंसान था कि ये अल्लाह पर बहतान बांधता था, अल्लाह पर झूठ बांधता था, फिर भी इसको शर्म नहीं आती थी। आगे एक झूठ बोल के मजीद झूठ बोलता था, एक झूठ बोल के मजीद झूठ बोलता था। अब ये देखिए, ये इसका सफ़ा नंबर 614 रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल का, इसमें यह क्या कहता है कि मेरे अल्लाह ने मुझे खिताब किया कि अना बुद्धू का लाजिम, कि मैं तेरा चारा लाजमी हूँ, मैं तेरा लाजमी चारा हूँ। ये कोई बात हुई कि अल्लाह किसी का चारा बन जाता है? हैं, मैं तेरा लाजमी चारा हूँ, मैं तेरा लाजमी, या अगर इसको सहारे के माना में ले, मैं तेरा लाजमी सहारा हूँ। अल्लाह ने इसको कैसे खिताब कर लिया भाई? इसकी क्या औकात कि अल्लाह पाक इसे खिताब करे? फिर कहता है कि अल्लाह पाक ने मुझे यूं कहा कि वाल कई तो अली का मोहब्बत मिन्नी वाली तुस्ना अला आईनी, कि अल्लाह पाक ने मुझे ये इरशाद फरमा दिया कि ताकि तू मेरे रूबरू तू इसे नेकी की जाए, हैं मेरे सामने तू इसे नेकी की जाए। अब मुझे बताएं कि इसके साथ कौन सी नेकी की जाती? सारी ज़िंदगी इसने लानतें हासिल की और अब भी लानतें हासिल करता जा रहा है, और इंशाल्लाह ये क़यामत तक लानतें ही हासिल करता रहेगा। फिर आगे क्या कहता है? इन्ना फतहना लका फतह मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्खर। अच्छा, कहता है ये अल्लाह पाक ने मुझे खिताब किया कि हमने तुझको खुली खुली फतह अता फरमाई है, यानी हम अता फरमाएंगे। अब बताएं कौन सी इसको फतह सुनी सिवाय झूठ के, कौन सी इनको फतह सुनी सिवाय मकर के, सिवाय फरेब के, सिवाय मुसलमानों को धोखा देने के, दुनिया वालों को धोखा देने के, इनको कौन सी फतह सुनी? ये झूठ बोलते हैं, ये खुद भी झूठ बोलता है, जिसके सारे आज के जितने चेले चांटे हैं वो सारे इसी तरह झूठ बोलते जा रहे हैं। फिर देखें किस तरह अपने मुंह मियाँ मिठू बनने की कोशिश करता है, और ये चलाक लोमड़ी की तरह ये अपने आप को जनाब ख्वाबों की दुनिया में भी ले जाता था, और अपने आप को वक्त का बड़ा बादशाह, तो ये तो वो फलां फलां। जैसे आज मिर्ज़ा इंजीनियर इस तरह की बातें करता है, तो मिर्ज़ा इंजीनियर कोई ये नहीं कि जान वो के अनजाने तौर पर करता है, वो भी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के ही तरीक़ेकार के ऊपर चल रहा है। जैसे उसने बातें की मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने, वैसे ही मिर्ज़ा इंजीनियर भी करता है। अब देखिए मुमासलत दोनों की कैसी। कहते जनाब मेरे सामने एक तस्वीर पेश की गई है, तस्वीर के यमीन व यसार में उसके दाएं बाएं में क्या लिखा हुआ था? कहते मेरे बारे में उस तस्वीर के दाएं बाएं क्या लिखा हुआ था? हुज्जतुल्लाही अल-कादिर व सुल्तान अहमद मुख्तार, है सुल्तान अहमद मुख्तार। अब अपना नाम अहमद भी रख लिया, फिर मुख्तार भी रख लिया, सुल्तान भी बन गया, कादिर भी बन गया। वैसे इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है अगर हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी या बुजुर्गों की चीज़ें बयान करें, तो फिर इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। तो जबकि अपने आप को अल कादिर भी कह रहा है, अपने आप को सुल्तान कह रहा है, अपने आप को अहमद भी कह रहा है, मुख्तार भी कह रहा है, तो ये नबी पाक के नामे नामी इसमें गिरामी अहमद पर यह डाका मारने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फिर क्या कहते हैं? अल्लाह पाक ने मुझे खिताब किया, अल्लाह कहता है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा कालू व कान इंदल्लाही वजीहा। यानी कहता है कि अल्लाह पाक मुझे ये फरमाना चाहता है, और खुदा के नज़दीक वो वजीह है, यानी कि कहना ये चाहता है कि मैं अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ बंदा हूँ। हालांकि अल्लाह पाक ने, मैं कुरान की एक नहीं आपको कई आयतें दिखा सकता हूँ, अल्लाह पाक ने इस तरह के बेईमान लोगों के लिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये जानवरों से भी बदतर कौम है, ये जानवरों से भी बदतर कौम है, तो ये जानवर से भी बदतर है कुरानी फैसले के मुताबिक। ये अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़ कैसे बन गया जो अल्लाह पर ही झूठ बांधे? अब एक बंदा आप पर सुबह भी झूठ बांधे, दोपहर भी झूठ बांधे, शाम भी झूठ बांधे, और किताबों में लिख लिख के आपके खिलाफ झूठ छापे, और रिसालों में लिखे, अखबारात में लिखे, फिर कहे कि भाई वो बंदा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, मेरी उसके यहाँ बड़ी इज्जत है, तू जाके तो देख कैसे तुझे वो जूतियाँ लगाएगा। है यही बिला तशबीह और बिला मिसाल ये सूरत हाल इसकी, कि जनाब दिन रात अल्लाह पर बहतान बांधता है, फिर कहते हैं
اللہ کے ہاں میری عزت ہی بڑی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، دیکھنا تمہاری بنتی کیا بن کے آ رہی ہوگی قبر میں، تمہیں صحیح جوتیاں پھری جا رہی ہوں گی، اللہ پاک تم جیسے بے ایمانوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ پھر ہمارا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جس طرح کی اپنے آپ کو احمد کہتا ہے نا، اسی طرح اس بے ایمان نے نبی پاک کے نام نامی اسم گرامی محمد پر بھی قبضہ کیا۔ یہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے خطاب کیا، کہتا ہے اللہ پاک نے مجھے خطاب کرتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں بھی کیسے اس نے اپنی طرف محمد ہونے کی نسبت کر دی اور رسول ہونے کی نسبت کر دی، اور اللہ پر کس طرح بہتان باندھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے کس طرح اس نے لفظ محمد چھیننے کی کوشش کی۔ او بے ایمان، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جن کے چند کے نام، پانچ چھ کے نام، جن کے نام محمد رکھے گئے، کبھی ان کی جرت نہ ہوئی کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں، اور تو بے ایمان آج اٹھ کے دعوی نبوت کے کر رہا ہے، اور تو آج اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میں جی جناب میں محمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ پاک تیرے شر سے، تیرے ماننے والوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔